नमस्कार दोस्तों, मैं बी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबाएं, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से दासिक आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज 23 मार्च है और आज ही के दिन शहीद दिवस के रूप में भगत सिंह को याद किया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इसी के दिन इन लोगों को फांसी दी गई थी। तो हम आप सभी इनको आज नमन करते हैं। वहीं एडेड कॉलेजों में 2707 प्रधानाचार्यों की भर्ती जल्द। प्रदेश में एडेड इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों के लंबे समय से रिक्त चल रहे पदों की जो भर्ती है उसकी तैयारी शुरू हो गई है। जल्द ही यह वैकेंसी आपको देखने की मिलेगी। आपको पता है कि पिछली 2013 वाली वैकेंसी जो थी उसमें कुछ समस्या की वजह से वो अभी लटकी पड़ी है। 1953 पदों पर रद्द हुई BDO की जो परीक्षा है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द कराएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, पर्यवेक्षकों के पदों की निरस्त हुई परीक्षा को पूरा कराने जा रहा है। शासन से उसे जल्द ही इसके लिए हरी झंडी मिलने की संभावना है। अनुमति मिलते ही परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। इन पदों के लिए करीब 14 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे। तो ये अच्छी खबर है। जो भी अभ्यर्थी वीडियो में है वो अपनी मेहनत जारी रखें। वहीं आर्मी पब्लिक स्कूल न्यू कैंट इलाहाबाद की तरफ से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे इंटरव्यू आमंत्रित किया गया है। आर्मी पब्लिक स्कूल न्यू कैंट इलाहाबाद रिक्वायर्ड कोचेज बैट, तो उसके आधार पर जो भी अभ्यर्थी योग्यता रखते हैं वो वाक इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। तो आप सभी एड्रेस नोट कर लीजिए और योग्यता को देखते हुए जिसके पास योग्यता है वो 1 अप्रैल 2023 को इंटरव्यू में शामिल हो ले। वहीं केंद्रीय विद्यालय नैनी से की तरफ से भी वाक इंटरव्यू आमंत्रित किया गया है। 31 तारीख को 31/3/2023 को प्रातः 9 बजे से विद्यालय में साक्षात्कार आमंत्रित किया गया है। इसके लिए जो है अभ्यर्थी जो ऐच्छिक है शैक्षणिक योग्यता एवं आवेदन पत्र हेतु जो KV नैनी वेबसाइट है naini.kvs.ac.in पर अवेलेबल कर लें और स्वप्रमाणित पत्र प्रमाण पत्रों के साथ यहाँ जो है इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। यहाँ अलग अलग पदों की सूचनाएं भी दी गई हैं। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सिपाही तकनीकी व ट्रेडमैन 2023 की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। आरंभिक तिथि जो है 27/3/2023 से हो रही है और ये फॉर्म भरना 23 से शुरू हो रहा है और 25/4 तक यह फॉर्म भरा जाएगा। तो आप सभी अभ्यर्थी जो कि उचित योग्यता रखते हैं, देखिए अलग अलग वेतनमान और अलग अलग योग्यता यहाँ दिया गया है, आप उसको देख लीजिए और योग्यता रखते हैं तो इसमें आवेदन की इच्छुक हों तो आवेदन कर लें। सिपाही चालक और सिपाही MVM के पद के लिए तकनीकी योग्यता निर्धारित की गई है, इस संबंध में आप डिटेल देख लीजिए। डाक सेवक बनने के लिए लगाए फर्जी अंक पत्र, 3 गिरफ्तार। डाक सेवक बनने के लिए 3 युवकों ने फर्जी अंक पत्र लगा दिए। फर्जीवाड़ा पकड़े जाने के बाद पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दिया है, जिसमें से कि 3 आरोपी पकड़े गए हैं। नाम इकराम खान निवासी फलोरा थाना फतेहाबाद आगरा, अंकित निवासी ग्राम पकड़ौली पूरा कुनेरा थाना बसौरी। तो ऐसे ही 3 लोगों को गिरफ्तारी हुई है, जो कि अच्छी खबर है क्योंकि इन फर्जीवाड़ों से बचने का कोई और तरीका नहीं है। आंगनबाड़ी के 52,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के रिक्त 52,000 पदों पर मानदेय के आधार पर ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बारे में डिटेल जल्द ही आपको उपलब्ध होगा। वहीं निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा और ई अध्याचन पोर्टल का उद्घाटन किया जाएगा, जिससे कि अध्याचन आने में शीघ्रता होगी और जो वैकेंसीज हैं वो थोड़ी सी शीघ्रता से आगे बढ़ चलेगी। किंतु हमेशा इस बात की शिकायत अभ्यर्थियों की रहती है कि जिन वैकेंसियों की अध्याचन आए हुए, चाहे माध्यमिक में, चाहे आप देख लीजिए UP SSC में या फिर लोक सेवा आयोग में, उनका क्या हो रहा है? सारी वैकेंसियां लटकी पड़ी हैं, अन्य राज्यों में वैकेंसियां आ रही हैं। देखिए झारखंड में भी आज की सूचना में है और कहीं वैकेंसीज के बजाय आप अपने प्रदेश में अगर सोचना चाहें, देखना चाहें तो यहाँ वैकेंसीज नहीं हैं।
पहले तो कार्य को तेज करना पड़ेगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें काम आएगी। वहीं 24 घंटे में 1134 कोरोना के नए केस आए हैं, जो कि थोड़ा सा डरावने हैं, इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है। और हाई लेवल मीटिंग भी इसके लिए आयोजित की गई है, तो आप सभी थोड़ा सा अलर्ट रहें। अगली सूचना EPFO को लेकर के है। EPFO की तरफ से भी कुछ ऐसे पद हैं जिनके लिए कि आवेदन आपसे आमंत्रित किए गए हैं, जैसे पोस्ट सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, इसके लिए जो है आपसे मांगा गया है। तो जो भी अभ्यर्थी योग्यता रखते हों और 18 से 27 साल उनकी एज हो, वो इसमें कर सकते हैं। वहीं स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए भी 185 पद हैं, इसमें भी यह मांगा गया है। 12वीं पास मांगा गया है, स्किल टेस्ट होगा इसमें, और टाइपिंग वगैरह भी है। तो जो भी अभ्यर्थी इस तरह की योग्यताएँ रखते हों, वो इसमें आवेदन कर दें। ये बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, सैलरी के साथ आपको सम्मान भी अच्छा मिलता है। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबाएं, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से तत्काल आपको प्राप्त हो सके। सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।